हेलो, मैं विकास सर और आज हम देखेंगे अध्याय दो प्रश्नावली दो का दसवां क्वेश्चन। यहाँ देखना, ध्यान से समझना, गणित पर आना एकदम ही आसान है अगर आप ये गणित को समझेंगे तो। गणित को समझेंगे तो गणित पर आना बहुत ही आसान है। जैसे इसमें दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या ये मेन याद रखना, पहला ये पॉइंट याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल मतलब रहता है बीच में गुणा या इनटू रहता है, क्या रहता है इनटू, याद रखना ये दोनों चीज को हम लोग रख सकते हैं। कितना है 45, मतलब उनका योग, किसका योग, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 14। कितना दिया है 14। संख्याएं याद करना है हमें तो बताया होगा, जो याद करना रहता है वो मानना रहता है, जो याद करना रहता है वो मानना रहता है। जैसे याद करना है संख्या, कितने संख्या याद करना है दो, तो यहाँ से माना दो संख्याएं। अब यहाँ से दो संख्याएं क्या क्या लेंगे हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। दो संख्याएं एक्स और वाई है, तब देखना ध्यान से प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ दिया है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 45, कितना है 45। यहाँ से देखना ध्यान से, दो संख्या भी लिखेंगे x और y, गुणनफल मतलब इनटू, तो बीच में इनटू लगा देना बराबर में 45, समीकरण नंबर एक। उसके बाद दिया है दो संख्याओं का योग, क्या दिया है योग, यहाँ लिखेंगे दो संख्याओं का योग क्या दिया, दो संख्याओं का योग 14, क्या दिया है 14। इतना कंप्लीट होने के बाद देखना, दो संख्या में लिखना एक्स और वाई बराबर क्या लिखना 14, तो योग मतलब होता है प्लस, ये क्या हो जाएगा देखना, एक्स प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर दो। अब यहाँ से फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, क्या होता है x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसमें मान रखेंगे तो x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर x प्लस y मतलब 14, कितना 14, क्या लिखेंगे 14 पूरे का वर्ग माइनस 4 आ गया। यहां से xy का मान दिया है क्या, हां दिया है, x * y बराबर कितना है 45, तो लिख देंगे यहां 45, फिर क्या हो जाएगा x माइनस y पूरे का होल स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग क्या होता है, 14 का वर्ग होता है 196 माइनस, अब इसको बड़ा करते हैं 4 5 20 की शून्य हासिल, दो 4 2 16 और 2 18 कितना आ गया 180, अब घटा देते हैं इसमें 196 प्लस में है 180 माइनस में, तो असमान चिन्ह घटता है, प्लस और माइनस घटता है, तो x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16, वर्ग इधर आता है तो करनी, x माइनस y बराबर करनी 16, अब बताओ 16 का वर्ग गुण क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, ध्यान से देखना है यहाँ से x माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 4। इतना कंप्लीट होने के बाद देखना ध्यान से, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा ये 2, क्या हो जाएगा सॉरी समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से देखना समीकरण 3 और समीकरण 2 और 3 कौन सा बड़ा है, इसमें 14, तो समीकरण 2 में 3 को घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर ये कितना लिखने के बाद, समीकरण 2 कौन सा है x plus y बराबर 14 और क्या है x minus y बराबर 4, ये देखना घटाना है, इसके सामने प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये प्लस का उल्टा कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये खत्म, इतना हुआ। इसके बाद ये प्लस में है और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस कट जाएगा, सेम सेम दिख रहा है, ये प्लस में है और ये माइनस नहीं है, क्या है प्लस है, दोनों प्लस है ना, प्लस प्लस जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ता है, तो एक बार एक बार कितना बार 2 बार बराबर, ये 14 के सामने प्लस, 4 के सामने माइनस, असमान चिन्ह घटता है, 14 प्लस और माइनस असमान चिन्ह तो घटेगा, क्या आएगा 14 प्लस में और 4 माइनस में, बड़ा संख्या सामने वाला चिन्ह लगता है मतलब प्लस रहेगा, 14 में 4 गया 10, इतना कंप्लीट हुआ। अब y का मान निकालेंगे 10, इसके नीचे में 2, 2 5 10, y का मान कितना आया 5,
अब y का मान जब 5 आया, अब y का मान कहां रखेंगे समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई किसी में भी रख सकते हो, मान आ जाएगा, या समीकरण 3 में भी रख सकते हो। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सॉरी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखना y का मान समीकरण 2 क्या है, ये x plus y के लिए क्या रखेंगे हम लोग 5, क्या रखेंगे 5 बराबर में 14 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, 14 माइनस 5 x बराबर कितना है 14 में 5 गया 9, क्या आया 9। तो देखो हम हमारा संख्या क्या आया 9 और 5, तो लास्ट में लिखेंगे अतः संख्या क्या क्या आया, अतः संख्याएं 9 और 5। ध्यान से देखना वीडियो को, एकदम सरल है, बस समझना है।